बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करती हूँ। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम्स हैव अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। आल्सो सॉल्व द सिस्टम फॉर द वैल्यू ऑफ लैम्डा। क्वेश्चन के स्टेटमेंट स्टूडेंट्स ऐसे हमें गिवन है कि हमारे पास जो सिस्टम्स हैं उनके सोल्यूशन हैं नॉन ट्रिवियल। क्लियर? तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए हम लोगों ने क्या करना है, लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्टली हम लोग लैम्डा की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर जो गिवन सिस्टम होगा उसमें लैम्डा की वैल्यू पुट करके उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसके टू पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में 3 इक्वेशंस गिवन है। फर्स्टली मैं इन 3 इक्वेशंस को एज इट इज़ लिखती हूँ। एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू ज़ीरो, 2x प्लस वाई माइनस लैम्डा जेड इज इक्वल टू ज़ीरो, एक्स प्लस टू वाई माइनस टू जेड इज इक्वल टू ज़ीरो। अब ये गिवन सिस्टम को मैं क्या करती हूँ, इसको लिखती हूँ मैट्रिक्स फॉर्म में। द गिवन सिस्टम, गिवन सिस्टम कैन बी रिटन इन मैट्रिक्स फॉर्म एज, फर्स्टली हम लोग जो वेरिएबल्स हैं उनके कोफिशेंट का मैट्रिक्स लिखेंगे, 1 1 1, 2 1 माइनस लैम्डा, 1 2 माइनस टू, 1 2 माइनस टू। अब सेकंड पे हम लोगों ने मैट्रिक्स लिखना है वेरिएबल्स का, एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड। और राइट हैंड साइड पे स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे 0 0 है। ठीक है, हमारे पास जो सिस्टम है वो क्या है, होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस हैं, तो ये मैंने 0 0 लिख दिया। अब जो कोफिशिएंट का मैट्रिक्स है इसको मैं कह देती हूँ कैपिटल ए, जो वेरिएबल्स का मैट्रिक्स है इसको मैं कैपिटल एक्स से डिनोट करूँगी। और यहाँ पे ये क्योंकि सारी एंट्रीज क्या हैं, 0 है राइट हैंड साइड के मैट्रिक्स की, तो इसको मैं कैपिटल ओ से डिनोट कर देती हूँ। अब सबसे पहले हम लोग जो ए मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे मैं ए मैट्रिक्स लिख रही हूँ, 1 1 1, 2 1 माइनस लैम्डा, 1 2 माइनस टू। अब इसको एक्सपेंड कर लेते हैं रो 1 के थ्रू, इसके साथ प्लस साइन आएगा माइनस और इसके साथ भी प्लस, इस रो के थ्रू हम लोगों ने एक्सपेंड करना, तो ये आ गया 1। अब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम इग्नोर, रिमेनिंग 4 टर्म्स लिख लेते हैं, 1 माइनस लैम्डा, 2 माइनस टू। अब सेकंड टर्म के लिए क्या आएगा, नेगेटिव साइन, नेगेटिव 1। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम इग्नोर, रिमेनिंग 4 टर्म्स आ गए, 2 माइनस लैम्डा, 1 माइनस टू, 2 माइनस लैम्डा, 1 माइनस टू। नेक्स्ट टर्म के लिए प्लस साइन आएगा। फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम इग्नोर, रिमेनिंग 4 टर्म्स आ गए, 2 1 1 2। अब ये डायगनल एंट्रीज हैं, इनको मल्टीप्लाई करेंगे और नेगेटिव का साइन, और फिर नॉन डायगनल को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आ गया है 1 इंटू माइनस टू, माइनस टू, माइनस का साइन, 2 इंटू माइनस लैम्डा क्या हो जाएगा, माइनस टू लैम्डा। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस ही क्या हो जाएगा, प्लस टू लैम्डा, बाहर नेगेटिव साइन है, तो ब्रैकेट में 2 इंटू माइनस टू दिस इज इक्वल टू माइनस 4, नेगेटिव साइन, 1 इंटू माइनस लैम्डा, माइनस लैम्डा, ऑलरेडी नेगेटिव साइन है ये प्लस हो गया, 2 इंटू 2 4, माइनस 1 इंटू 1 1, तो यहाँ से आ गया माइनस 2 प्लस 2 लैम्डा, ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन है, इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस 4 और लैम्डा के साथ प्लस, यही क्या हो जाएगा, माइनस लैम्डा, प्लस 4 माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 3। टू लैम्डा माइनस लैम्डा, ये क्या आ गया हमारे पास, प्लस लैम्डा। ठीक है, 4 प्लस 3 कितना आ गया, 7, 7 माइनस 2 दिस इज इक्वल टू प्लस 5, ये हमारे पास आ गई ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू। ठीक है, इसमें अब लैम्डा हमारे पास अननोन है, हमने लैम्डा की वैल्यू को एक्चुअली फाइंड करना था। अब स्टूडेंट्स हमें जो सिस्टम गिवन है उसका सोल्यूशन क्या है, हमारे पास नॉन ट्रिवियल। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे 4 नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। ठीक है, जो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होगा हमारे पास उसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो 0 होगा,
तो यहाँ पे ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है, लैम्डा प्लस 5, इसकी जगह मैं लैम्डा प्लस 5 लिख देती हूँ, दिस इज इक्वल टू 0. सो दिस इंप्लाइज 5 को ले आते हैं राइट साइड पे, लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 5. तो इसका फर्स्ट पार्ट हमारे पास हो गया, हमने लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, तो फर्स्ट पार्ट के लिए लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 5 के इक्वल. अब सेकंड थिंग हम लोगों ने क्या करनी है स्टूडेंट्स, इस लैम्डा की वैल्यू को मैट्रिक्स ए में पुट कर देना और फिर इसको हम लोगों ने सॉल्व करना. नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ लैम्डा इन ए मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स में लैम्डा की वैल्यू पुट कर देता, तो यहाँ से हमारे पास ए मैट्रिक्स क्या आ जाएगा, 1 1 1 2 1. अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, माइनस लैम्डा, ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू क्या है, माइनस 5, माइनस इंटू माइनस 5, 1 2 माइनस 2. अब नेक्स्ट स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ से ए मैट्रिक्स आ गया 1 1 1 2 1 5 1 2 माइनस 2. अब इसको हम लोगों ने कन्वर्ट करना है स्टूडेंट्स रिड्यूस्ड एचलन या फिर एचलन फॉर्म में, ठीक है, जो आपकी अपनी मर्जी हो. तो सबसे पहले स्टूडेंट्स यहाँ पे फर्स्ट एंट्री हमारे पास 1 है, इस 1 के बिलो क्या होनी चाहिए, दोनों एंट्रीज 0, तो इन दोनों एंट्रीज को हमने क्या बनाना है, 0 बनाना है. अब इनको 0 बनाने के लिए मैं रो ऑपरेशन अप्लाई करती हूँ, क्योंकि फर्स्ट रो एज इट इज़ रहेगी, चेंज किस में आ रहा है, सेकेंड और थर्ड रो में, तो इसको एज इट इज़ लिख देते हैं फर्स्ट रो को. अब यहाँ पे 0 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, इसमें माइनस 2 ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ R2 - 2R1. यहाँ पे आ गया हमारे पास 0. अब देखें R1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 1 - 2, दिस इज इक्वल टू -1. नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1, ठीक है, 1 into 2 2 आ गया, 5 - 2, दिस इज इक्वल टू +3. अब यहाँ पे 0 बनाना, तो सिंपली क्या करेंगे, R3 - R1, 1 - 1 0, 2 - 1 1, -2 - 1, दिस इज इक्वल टू -3. अब नेक्स्ट यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास क्या है, माइनस का साइन है, ठीक है, हमें यहाँ पे क्या चाहिए, 1, तो इसको 1 बनाने के लिए मैं यहाँ पे R2 को मल्टीप्लाई कर देती हूँ -1 से, फर्स्ट रो एज इट इज़, थर्ड रो भी एज इट इज़, चेंज किस में आ रहा, जस्ट हमारे पास सेकेंड रो में, तो यहाँ पे आ गया R2 - -1, ये भी 0, ये +1 हो गया, ये -3. अब नेक्स्ट स्टूडेंट हम लोगों ने बनाना है यहाँ पे 0. यहाँ पे 0 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, सिंपल हम लोग क्या करेंगे, R3 - R2 कर देते हैं, फर्स्ट रो एज इट इज़, सेकेंड रो भी एज इट इज़. अब देखें R3 - 2R1, 0 - 0 0, 1 - 1 0, -3 - -3, ये देखें -3 - -3, ये प्लस हो गया +3, तो ये क्या आ गया हमारे पास 0, यहाँ पे आंसर आ गया 0. अब हमारे पास जो हमारी लास्ट रो थर्ड रो है, सारे के सारे इसके कोफिशिएंट्स क्या आ गए, 0. दिस मीन्स यहाँ पे जो हमारा लास्ट वेरिएबल यानी कि जेड था वो क्या आ गया, उसके कोफिशिएंट 0. अब मैं यहाँ पे लेट कर लेती हूँ, लेट जेड इज़ इक्वल टू टी, अगर जेड हमारा क्या है, टी के इक्वल है, ठीक है, तो देखें यहाँ से क्या इक्वेशन बनेगी, y - 3z इज़ इक्वल टू 0, जेड की जगह हम लोग ये टी पुट कर देते हैं, तो यहाँ से आ गया y - 3 इज़ इक्वल टू 0. सो दिस इम्प्लाइज y इज़ इक्वल टू 3t. अब नेक्स्ट फर्स्ट वाली रो से हम लोग लिखते हैं इक्वेशन, तो ये क्या आ जाएगी, x + y + z, x + y + z, दिस इज इक्वल टू 0. एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, y की हमारे पास क्या है 3t, z की क्या है t के इक्वल हमने सपोज किया, ठीक है, क्योंकि इसके हमारे पास नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस है, इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे, तो हम लोगों ने सपोज कर लिया वो t है, तो यहाँ पे आ गया x + 4t, दिस इज इक्वल टू 0. सो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू -4t. तो ये हमारे पास x, y और z वेरिएबल्स की वैल्यूज़ आ गई फॉर
नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस। और उसके अलावा हमारे पास लैम्डा की वैल्यू क्या आई थी स्टूडेंट्स, नेगेटिव 5 के इक्वल। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हुआ, अब इसका मैं सेकंड पार्ट स्टार्ट करती हूँ। अब नेक्स्ट स्टूडेंट मैं सेकंड पार्ट स्टार्ट करती हूँ, तो सबसे पहले मैं इन तीनों इक्वेशंस को एज इट इज़ लिखूँगी। एक्स वन प्लस 4x2 प्लस लैम्डा x3 दिस इज इक्वल टू 0, 2x1 प्लस x2 माइनस 3x3 इज इक्वल टू 0, 3x1 प्लस लैम्डा x2 माइनस 4x3 इज इक्वल टू 0। अभी गिवन सिस्टम को हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। द गिवन सिस्टम, गिवन सिस्टम कैन बी रिटन इन मैट्रिक्स फॉर्म एज, सबसे पहले हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं x1, x2 एंड x3, इसके कोफिशिएंट्स का लिखेंगे 1, 4 लैम्डा, 2, 1 माइनस 3, 2, 1 माइनस 3, 3 लैम्डा माइनस 4। ये कोफिशिएंट का मैट्रिक्स आ गया। अब नेक्स्ट हम लोगों ने वेरिएबल्स का लिखना है x1, x2 एंड देन x3 इज इक्वल साइन, और ये हमारे पास राइट हैंड साइड्स पे क्या 0, 0, 0, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है 0, 0, 0। कोफिशिएंट के मैट्रिक्स को मैं कैपिटल ए सी डी नोट करती हूँ। उसके बाद जो हमारे पास वेरिएबल्स का मैट्रिक्स है इसको हम लोग कैपिटल एक्स से, और ये क्योंकि तमाम के तमाम हमारे पास ज़ीरो एलिमेंट्स हैं यानी कि नल मैट्रिक्स है, तो इसको मैं कैपिटल ओ से डिनोट करती हूँ। अब नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स हम लोगों ने गिवन मैट्रिक्स ए का क्या करना है, डिटर्मिनेंट लेना है। तो इसके डिटर्मिनेंट को लेने के लिए मैं इसको लिखती हूँ ए इज इक्वल टू 1, 4 लैम्डा, 2, 1 माइनस 3, 3 लैम्डा माइनस 4। अब इसका हम लोग सिंपली डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, 1, 4 लैम्डा। तो डिटर्मिनेंट के लिए स्टूडेंट्स हम लोग वर्टिकल लाइंस लगाएंगे, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट से आप लोगों ने साइन यूज़ नहीं करना। इसको फर्स्ट रो के थ्रू मैं एक्सपेंड करूँगी, प्लस साइन माइनस साइन और यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे आ गया 1। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इग्नोर रिमेनिंग 4 टर्म्स, 1 माइनस 3 लैम्डा माइनस 4, नेगेटिव साइन 4। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम इग्नोर रिमेनिंग टर्म्स, 2 माइनस 3, 3 माइनस 4, प्लस लैम्डा। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम इग्नोर रिमेनिंग 4 टर्म्स, हमारे पास आ गई 2, 1, 3 लैम्डा। अब ये हमारे पास क्या है, डायगनल है, इन डायगनल को मल्टीप्लाई करेंगे, नेगेटिव का साइन लगाएंगे और नॉन डायगनल को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 बाहर है, 1 × −4 − 4, माइनस का साइन, लैम्डा −3 क्या आ गया, −3, ऑलरेडी नेगेटिव साइन ये +3 हो गया, +3 लैम्डा। −4, 2 × −4 दिस इज इक्वल टू −8, माइनस का साइन, 3 × 3 माइनस का 3 है ना, तो ये क्या आ जाएगा, −9, ऑलरेडी नेगेटिव साइन है, +9 हो गया, प्लस लैम्डा, 2 λ − 3 ये आ गया −4, +3 λ, और ये −8 +9 दिस इज इक्वल टू 1, 1 × −4 − 4, प्लस 2 λ² −3 λ, +3 λ, −3 λ, दोनों कैंसिल आउट हो गए, रिमेनिंग टर्म्स आ गई हमारे पास, ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2 λ² −8। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमें जो स्टेटमेंट गिवन थी क्वेश्चंस की, उसमें कहा गया था हमारे पास जो सिस्टम है उनका जो सोल्यूशन है वो क्या है, नॉन ट्रिवियल है। अगर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है दिस मींस इनका जो ए का डिटर्मिनेंट है वो क्या आएगा, 0 आएगा। एज सोल्यूशन इज नॉन ट्रिवियल सो दिस इम्प्लाइज ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। अब ए डिटर्मिनेंट की ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, 2 λ² −4 इज इक्वल टू 0, इन दोनों टर्म में 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लेते हैं, λ² −4 दिस इज इक्वल टू 0, तो ये आ गया λ² −4 इज इक्वल टू 0, λ इज स्केयर इज इक्वल टू 4, दोनों साइड पे स्केयर रूट ले लेंगे तो यहाँ से λ आ गया +−2 के इक्वल।
अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास लैम्डा की टू वैल्यूज़ आई हैं, तो हम दोनों वैल्यूज़ के लिए वन बाय वन सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमारा जो बेसिक पर्पस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन है वो है, पहले हमने लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर गिवन सिस्टम ऑफ फॉर गिवन सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस, और उसके बाद लैम्डा की उसी वैल्यू के लिए हम लोगों ने सॉल्यूशन फाइंड करना है, ठीक है। मतलब कि गिवन सिस्टम को सॉल्व करने वेरिएबल्स की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो एक दफ़ा मैं लैम्डा इज़ इक्वल टू टू लिखूँगी और एक दफ़ा लैम्डा इज़ इक्वल टू माइनस टू। तो सबसे पहले मैं लिखती हूँ फोर लैम्डा इज़ इक्वल टू टू। तो लैम्डा इज़ इक्वल टू टू के लिए हम लोग मैट्रिक्स ए लिखते हैं। मैट्रिक्स ए में जहाँ पे लैम्डा की वैल्यू है वहाँ पे हम लोग टू पुट कर देंगे। सो दिस इम्प्लाइज ए इज़ इक्वल टू वन फोर टू टू वन माइनस थ्री थ्री टू माइनस फोर। अब इस मैट्रिक्स ए को हम लोग रो ऑपरेशन अप्लाई करके एचिलन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, एचिलन फॉर्म में, ठीक है। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या करना है, इसकी फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री क्या वन है, इस वन के बिलो दोनों टर्म्स बनानी हम लोगों ने ज़ीरो, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखती हूँ फर्स्ट रो को एज इट इज़। अब यहाँ पे क्या ऑपरेशन अप्लाई करें कि दोनों ज़ीरो हो जाए, ठीक है। तो टू को ज़ीरो बनाने के लिए क्या और करना पड़ेगा, माइनस टू ऐड, और थ्री को ज़ीरो बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस थ्री ऐड। तो यहाँ पे मैं ऑपरेशन लिखती हूँ आर टू माइनस टू आर वन एंड आर थ्री माइनस थ्री आर वन। पूरी रो को आर वन को टू से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे आर टू में से, ठीक है। तो यहाँ से आ गया टू माइनस टू ज़ीरो, वन माइनस एट दिस इज इक्वल टू माइनस सेवन, माइनस थ्री माइनस फोर दिस इज इक्वल टू माइनस सेवन। अब हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे ज़ीरो बनाना है, तो इसके लिए आर थ्री माइनस थ्री आर वन, थ्री माइनस थ्री ज़ीरो, टू माइनस ट्वेल्व माइनस टेन, टू इंटू थ्री माइनस सिक्स, माइनस फोर माइनस सिक्स, ये हमारे पास क्या आ गया, माइनस टेन के इक्वल, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा जो पर्पस है वो क्या है, इस सेवन को वन बनाना। सेवन को वन बनाने के लिए क्या करेंगे, सिंपली आर टू को सेवन माइनस सेवन से डिवाइड कर देते हैं, वन फोर टू ज़ीरो माइनस टेन माइनस टेन। सिंपली रो टू को माइनस सेवन से डिवाइड कर दें, या फिर आप कह सकते हैं वन बाय माइनस सेवन से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ गया, ज़ीरो वन एंड देन वन। अब इस वन के बिलो ये टर्म हम लोगों ने क्या बनानी है, ज़ीरो बनानी है, ठीक है। तो इसको ज़ीरो बनाने के लिए मैं पहले सबसे पहले फर्स्ट रो भी एज इट इज़ लिखूंगी और सेकंड रो भी। अब देखिए यहाँ पे माइनस टेन है, माइनस टेन को ज़ीरो कैसे बनाया जा सकता है, अगर इसमें मैं प्लस टेन ऐड कर दूँ इसका एडिटिव इन्वर्स। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ आर थ्री प्लस टेन आर टू, ठीक है। तो पूरी रो टू को हम लोगों ने क्या करना है, टेन से मल्टीप्लाई करना है और उसको आर थ्री में ऐड करना है। देखिए ज़ीरो इंटू टेन ज़ीरो, ज़ीरो प्लस ज़ीरो ज़ीरो, वन इंटू टेन टेन, टेन माइनस टेन ज़ीरो, वन इंटू टेन टेन, टेन माइनस टेन दिस इज इक्वल टू ज़ीरो। अब देखिए हमारे पास जो ये हम लोगों ने रो ऑपरेशन अप्लाई किया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो थर्ड हमारे पास रो है, इसकी थर्ड ये वाली एंट्री यहाँ पे ज़ीरो बन गया। ये हमारे पास क्या था, जी का कोफिशेंट था, तो जी का कोफिशेंट ज़ीरो आ रहा था। हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट एक्चुअली ये जी नहीं है, ये सॉरी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक्स थ्री है। तो एक्स थ्री को लेट कर लेते, क्या आ गया हमारे पास, टी के इक्वल। यहाँ से आ गई हमारे पास x3 की वैल्यू। अब नेक्स्ट सेकंड रो से हम लोग एक इक्वेशन लिखेंगे x2 प्लस x3। अब यहाँ पे सिंपली x3 की वैल्यू पुट कर देते हैं, x2 प्लस t दिस इज इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि t हमारे पास क्या है, x3 के इक्वल। सो दिस इम्प्लाइज x2 इज इक्वल टू माइनस t। अब नेक्स्ट फर्स्ट रो के थ्रू हम लोग इक्वेशन लिखते हैं, तो वो क्या आ जाएगी, एक्स वन प्लस फोर एक्स टू प्लस टू एक्स थ्री, एक्स वन प्लस फोर एक्स टू प्लस टू एक्स थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक्स टू और एक्स थ्री की वैल्यू पुट कर देते हैं, एक्स वन प्लस फोर एक्स टू क्या है, माइनस फोर टी के इक्वल, यहाँ पे आ गया माइनस टी प्लस टू इंटू टी दिस इज इक्वल टू ज़ीरो, x1 वन माइनस फोर टी प्लस टू टी दिस इज इक्वल टू माइनस टू टी, एक्स वन माइनस टू टी इज इक्वल टू ज़ीरो। सो इस वाली वैल्यू को राइट साइड ले आएंगे, एक्स वन इज इक्वल टू टू टी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास x1 क्या आ गया, टू टी के इक्वल, x2 आ गया माइनस टी के इक्वल, और x3 हमारे पास क्या आ गया, टी के इक्वल। तो ये हमारे पास तीनों वेरिएबल्स x1 x2 और x3 की वैल्यूज़ हैं जब हमारे पास लैम्डा क्या है,
टू के इक्वल है। अब हम लोगों ने सॉल्व करना है व्हेन लैम्डा इज इक्वल टू माइनस टू, ठीक है। अब नेक्स्ट लैम्डा इज इक्वल टू माइनस टू के लिए लिखेंगे, तो ए मैट्रिक्स में जहाँ पे लैम्डा है वहाँ पे हम लोगों ने माइनस टू पुट कर देना है। सो दिस इम्प्लाइज ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1, 4, -2, 2, 1, -3, 3, -2 and then 4, ठीक है। ये माइनस टू और ये माइनस टू हमने लैम्डा की जगह पुट किया। अब इस लैम्डा मतलब के सॉरी इस ए मैट्रिक्स को हम लोगों ने सॉल्व करना है, तो रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, इसको मैं एचलन फॉर्म में कन्वर्ट करूँगी, आप चाहें तो रिड्यूस्ड में भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन बट मैं एचलन में करूँगी। तो इस वन के बिलो दोनों टर्म्स बनानी हम लोगों ने क्या, जीरो। तो यहाँ टू जीरो कैसे होगा अगर इसमें माइनस टू ऐड करें, और थ्री कैसे जीरो होगा अगर इसमें माइनस थ्री ऐड करें। फर्स्टली मैं रो वन को एज इट इज़ लिखती हूँ। अब नेक्स्ट ऑपरेशन यहाँ लिखती हूँ आर टू माइनस टू आर वन, और दूसरा है आर थ्री माइनस थ्री आर वन। तो R1 को मैं क्या कर रही हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ फर्स्टली, और फिर उसको सब्ट्रैक्ट कर दी हूँ R2 में से। 2 माइनस टू ज़ीरो, 1 माइनस एट माइनस सेवन, माइनस सेवन एंड देन प्लस फोर, दिस इज इक्वल टू वन, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोगों ने R3 माइनस थ्री आर वन करना है, रो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे किस में से, R3 में से। 3 माइनस थ्री ज़ीरो, माइनस फोर प्लस सिक्स, दिस इज इक्वल टू प्लस टू, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में इस माइनस सेवन को वन बनाना है, तो इसको वन बनाने के लिए सिंपली रो टू को माइनस सेवन से डिवाइड कर देते हैं। वन फोर माइनस टू ज़ीरो, माइनस फोर्टीन एंड देन टू, आर टू को डिवाइड कर देंगे माइनस सेवन से। ये आ गया ज़ीरो, यहाँ पे वन, और यहाँ पे क्या आ गया, माइनस वन बाय सेवन, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स इस वन के बिलो ये माइनस फोर्टीन है, इस माइनस फोर्टीन को ज़ीरो बनाना, तो ज़ीरो बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें प्लस फोर्टीन ऐड। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे मैं फर्स्ट रो और सेकंड रो को एज इट इज़ लिखती हूँ। यहाँ पे आ गया आर थ्री प्लस फोर्टीन आर टू। तो यहाँ से स्टूडेंट्स ज़ीरो, और यहाँ पे आ गया हमारे पास ज़ीरो। अब देखें R2 को मल्टीप्लाई किया किससे, 14 से, माइनस वन बाय सेवन इंटू फोर्टीन, सेवन टू ज़ार फोर्टीन, ये क्या आ गया माइनस टू, ठीक है। इसमें ऐड क्या करना है हमने R3 को, R3 क्या प्लस टू, तो ये क्या आ गया हमारे पास ज़ीरो के इक्वल, यहाँ पे भी आंसर ज़ीरो। अब थर्ड रो हमारे पास सारी की सारी ज़ीरो हो गई है, तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा वेरिएबल था, x3, तो यहाँ से मैं लेट कर लेती हूँ x3 जो वेरिएबल है वो क्या है, t के इक्वल है, तो यहाँ से x3 की वैल्यू आ गई। r2 से मैं एक इक्वेशन लिखती हूँ x2 माइनस वन बाय सेवन एक्स थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। अब यहाँ पे x3 की जगह मैं क्या पुट कर देती हूँ, t, x2 माइनस t बाय सेवन, दिस इज इक्वल टू ज़ीरो। सो दिस इम्प्लाइज x2 इज इक्वल टू t बाय सेवन। अब फर्स्ट रो से मैं इक्वेशन लिखती हूँ x1 प्लस फोर एक्स टू माइनस टू एक्स थ्री, दिस इज इक्वल टू ज़ीरो। सिंपल x2 और x3 की वैल्यू पुट कर देते हैं, प्लस फोर एक्स टू क्या है, टी बाय सेवन, माइनस टू एक्स थ्री क्या है हमारे पास, टी। इन दोनों टर्म्स का एलसीएम लेंगे स्टूडेंट्स, तो हमारे पास एलसीएम क्या आ गया, सेवन, ठीक है। यहाँ पे 4t माइनस सेवन टू ज़ार फोर्टीन टी इज इक्वल टू ज़ीरो। सो यहाँ से आ गया x1 इज इक्वल टू माइ, यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे आ गया प्लस टेन बाय सेवन इंटू टी। ये x1 x2 और x3 की वैल्यू आ गई जब लैम्डा हमारे पास क्या होगा, माइनस टू के इक्वल होगा। तो ये हमारा था पार्ट नंबर टू क्वेश्चन नंबर फाइव का स्टूडेंट्स, होप सो आपको क्लियर हो गया। अगर आपको मेरा टीचिंग मेथड पसंद आया हो तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।